हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एमएलटी जर्नी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आपकी स्क्रीन पे एक नोटिस आया हुआ है, जो कि आप लोगों ने हमारा थंबनेल भी देखा होगा, उसमें पद स्वीकृत हुए हैं। टोटल 4000 प्लस ये पद आपके रहने वाले हैं। तो कहाँ के ये पद हैं, आपके स्वास्थ्य विभाग की ये भर्ती रहेगी और डिफरेंट इसमें बता रखा है एनुअली आपकी कितनी इनकम रहेगी, तो सब पोस्टों की। तो यहाँ पर काउंट हुई है, यहाँ पर कितनी पोस्ट हैं आप देख सकते हैं। यहाँ पर आपको दिखाया गया, जैसे एक्सरे टेक्नीशियन आपको 29 नंबर पर भी देखने को मिलेगा, और इसके बाद आपको यहाँ पर भी एक देखने को मिलेगा। यहाँ पर एक्सरे मशीन लिखा हुआ है, गैस्ट्रोलैब टेक्नीशियन लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं पूर्व में सर्जित पद कितने थे और वैकेंट नए पद जो हैं वो कितने हैं, तो यहाँ पर दिए हुए हैं। तो हम इन सब के बारे में बात करेंगे। टोटली यहाँ पर आप देख सकते हैं बिहार सरकार की तरफ से ये नोटिस जारी हुआ है, और यहाँ पर जो आपकी वैकेंसी निकलने वाली है, टोटल यहाँ पर 4315 वैकेंसी आपकी निकलेगी। अभी ये सिर्फ अप्रूव्ड हुई हैं। तो अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार जुड़े हों, तो यूट्यूब चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसी ही अपडेट के लिए। हम शुरुआत करते हैं अच्छे से इस वीडियो की। बिहार सरकार स्वास्थ्य विभाग की तरफ से नोटिस है, फाइल नंबर 486 है इसमें, और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका विषय क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट इसका सब्जेक्ट हो जाएगा। फिर हम पद पर जाएंगे कि कितने पद, कितनी वैकेंसीज और कितनी एनुअली इनकम टोटली बनती है जाके। तो विषय है इसका पटना चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल पटना को 5462 से वाले चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल के रूप में पुनर्विकसित करने के फलस्वरूप राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग नई दिल्ली के मानकों के अनुरूप संस्थान के कुल 29 अनुपयोगी पदों को प्रतिरूपित करते हुए विभिन्न स्तर के कुल 4315 नए पदों के सृजन की स्वीकृति हुई, अप्रूव्ड किए गए हैं टोटल 4315। और यहाँ पे दिया हुआ है आदेश इसका क्या है, स्वीकृत हुए हैं। तो जल्दी ही ये वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। सबसे पहले मैं आपको ये पद दिखा देता हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको ये पढ़ के बताऊँगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, सबसे लास्ट से शुरुआत हम करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको पटना चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल पटना के पुनर्विकसित योजना के फलस्वरूप प्रतिपित किए जाने अनुपयोगी पदों की विवरणी है यहाँ पर। तो अनुपयोगी पदों की यहाँ पर है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रविष्टि का वेतन देख रखा है इनका कितना रहेगा, और पे लेवल इनका कितना रहेगा, क्योंकि कुछ पोस्ट इसमें परमानेंट आपकी रहेंगी और कुछ पोस्ट इसमें आपकी समता के बेसिस पर निकलेगी। यहाँ पर दिया हुआ है पूर्व में सृजित पदों की संख्या कितनी थी, टोटली 29 है, और इसमें नए सृजित किए जाने वाले पदों की संख्या कितनी है, यहाँ पर 0 है। प्रतिपित किए जाने वाले पदों की संख्या यहाँ पर 29 टोटल है, और टोटली जितनी भी वैकेंसी यहाँ से 1 से लेकर 13 तक वैकेंसी यहाँ पे दी हुई हैं, तो यहाँ पर टोटली यहाँ पे कितनी इनकी सैलरी टोटल काउंट होगी यहाँ पे, ठीक है, हर पोस्ट की काउंट हो रही है यहाँ पे। तो देख सकते हैं यहाँ पर आपको बताया गया चीफ मेडिकल अफसर IGCC की, स्टाफ नर्स की हो गई, इसमें सीनियर सिस्टर ट्यूटर हो गया, जूनियर सिस्टर ट्यूटर हो गया, पब्लिक हेल्थ नर्स हो गया, सीनियर मिडवाइफरी ट्यूटर हो गया, और सीनियर पब्लिक हेल्थ ट्यूटर हो गया, डार्क रूम असिस्टेंट हो गया, गैस्ट्रो लैब टेक्नीशियन और एक्सरे मशीन, केमिस्ट, इलेक्ट्रिकल फिल्टर और इंडो लैब टेक्नीशियन। तो इसमें जो पहले इसमें वैकेंसी थी सिर्फ उतनी ही वैकेंसी है, कोई भी इसमें नया पद अभी स्वीकृत नहीं हुआ है, बट सेम पोस्ट आपको ऊपर भी देखने को मिलेंगी। और टोटली आप इनकी सैलरी देख सकते हैं 78,000, 44,000, 47,000, 47,600। तो ऊपर वाली मैं दिखा देता हूँ, इसमें पद स्वीकृत हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आप ऊपर 52 तक हैं, यहाँ पर पद आपके यहाँ से चालू होंगे, देख सकते हैं पटना चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल पटना के पुनर्विकसित योजना के फलस्वरूप पदों के सृजन पर होने वाले वार्षिक अनुमानित व्यय विवरणी कितनी है। तो पूर्व में सर्जित पद यहाँ पर हैं, नए सर्जित जो नए पद आएंगे वो यहाँ पर आपको दिए हुए हैं, वार्षिक वेतन आपका ईयरली वेतन कितना रहेगा, ठीक है, और आपका वैसे पे लेवल इसमें कितना रहेगा, प्रविष्टि आपकी वेतन कितनी रहेगी, जैसे कि सुपरिटेंडेंट की 1,30,100 रुपये यहाँ पर सैलरी रहेगी, अन्य भत्ते नियमानुसार मिलेंगे, और यहाँ पे दिया हुआ है अभिव्यक्ति भी इसमें जो रहेगी। तो मैं शुरुआत कर देता हूँ यहाँ पे 1 से लेकर 12 तक, अभी पहले बता देता हूँ आपके लिए। यहाँ पहली पोस्ट सुपरिटेंडेंट की है 1,30,100 से लेके आपकी स्टार्टिंग होगी, पे लेवल इसमें 13 का रहेगा, और इसमें एक पद पूर्व में सर्जित है और 0 पद, कोई भी नया पद इसमें नहीं जोड़ा गया, वार्षिक वेतन भी इसमें नहीं बताया गया, ठीक है, अभिव्यक्ति भी नहीं है। ऐसे ही आपके DY यहाँ पर सुपरिटेंडेंट में 78,800 सैलरी रहेगी, इसमें 3 नए पद जुड़े गए हैं, स्पेशलिस्ट मेडिकल अफसर में 21 नए पद हैं, और स्पेशलिस्ट मेडिकल अफसर में 6 नए पद हैं, स्पेशलिस्ट मेडिकल अफसर ICU HDU में आपके 24 नए पद हैं, 5 स्पेशलिस्ट मेडिकल अफसर के हैं OB ST और गायनी के हैं, इसमें ऐसे ही न्यूरो सर्जरी में भी आपके 5 पद जोड़े गए। तो सब में आप देख सकते हैं 5 स्पेशलिस्ट के जोड़े गए। इसके बाद रेडिएशन सेफ्टी अफसर में आपकी सैलरी रहेगी 53,100 रुपये, पे लेवल इसमें 9 का रहेगा, और इसमें टोटल पूर्व में 4 पद थे, अब इसमें 2 और नए सर्जित कर दिए गए हैं, और आपका जो इसमें देख सकते हैं टोटल यहाँ पर आपकी
बता भी रखा है कि वार्षिक वेतन आपका कितना रहेगा। मेडिकल साइकिस्ट में भी 47,100 रुपये सैलरी से स्टार्टिंग होगी, पे लेवल 8 रहेगा, 2 वैकेंसी पूर्व में थी, 6 नए पद सृजित हुए हैं। चीफ नर्सिंग सुपरिटेंडेंट में एक ही वैकेंसी थी पहले, और अभी कोई नया पद सृजित नहीं हुआ है, 53,100 इसमें सैलरी है। अब बात कर लेते हैं 13 नंबर, देख लीजिए आप, इसमें आपको बताया गया है डी वाई चीफ नर्सिंग सुपरिटेंडेंट, तो 47,600 से आपकी स्टार्टिंग होगी, पे लेवल 8 है, इसमें पहले पद आपके एक थे पूर्व में, और नए जो पद जोड़े गए हैं 3 पद आपके नए जोड़ दिए गए हैं। टोटली यहाँ पर आपकी एनुअली इनकम बता रखी है। ऐसी एडमिनिस्ट्रेटिव मेडिकल अफसर की सेकेंड पोस्ट है, 53,100 से स्टार्ट होगी, पे लेवल 9 है, और इसमें पहले कोई पद नहीं था, और नए 4 पद इसमें जोड़ दिए गए हैं, और टोटली ईयरली यहाँ पे इनकम दे रखी है इनकी कितनी पैकेज होगा। ऐसी वार्ड सिस्टर की बात करूँ तो 47,600 से स्टार्टिंग होगी, पे लेवल 8 है, और 48 पद पहले से थे, 152 नए इसमें पद जोड़े गए हैं, एनुअल इनकम यहाँ पे दे रखी है। मेडिकल अफसर की बात करूँ तो 53,100 से स्टार्टिंग होगी, पे लेवल 9 रहेगा, 19 पद पहले थे, 167 पद नए जोड़े जाएंगे इसमें, टोटल यहाँ पे इनकम ईयरली बता रखी है। फिर बायोमेडिकल इंजीनियरिंग की बात कर लेता हूँ, तो यहाँ पे बताया गया 53,100 से स्टार्टिंग होगी, पे लेवल 9 रहेगा, और इसमें नए पद सर इसमें 3 नए पद जोड़े गए हैं, पहले इसमें एक भी पद नहीं था, एनुअल इनकम भी बता रखी है। बात करते हैं यहाँ पे 18 नंबर प्रोक्योरमेंट अफसर की, तो 47,100 से स्टार्टिंग होगी, इसमें पे लेवल 8 रहेगा, पहले पद नहीं था बट न्यू पद अब जोड़ दिया गया है, एक वैकेंसी की अब निकलेगी, तो 57,000 यहाँ पे 1200 देखने को मिलेगी टोटली। और यहाँ पर बात करता हूँ तो आपको यहाँ पर एक पद देखने को मिलेगा, यहाँ पे 5,71,000, ठीक है, तो आपको वैकेंसी की एनुअल इनकम यहाँ पे देखने को मिलेगी। ऐसे ही शैक्षिक योग्यता की बात करूँ तो MBA मांगा गया है इसमें, वेतनमान के संबंध में प्रशासकीय पदभार समिति के परामर्श के आलोक में विकास आयुक्त की अध्यक्ष यहाँ पे बता रखा है, नियमित अन्य भत्ते दे होंगे इनके, ठीक है। तो आपने देखा होगा इसमें 19 नंबर पे एडमिनिस्ट्रेटिव अफसर की वैकेंसी है आपकी, तो इसमें जो आपकी 35,400 से स्टार्टिंग रहेगी, पहले पे लेवल से इसमें 6 रहता है, नए पद इसमें 2 जोड़े गए हैं, और इसमें टोटल आपकी जो सैलरी रहेगी 849,600 आपकी पर ईयर सैलरी इसमें टोटली बैठेगी 35,400 के अकॉर्डिंग। ऐसे ही यहाँ पर आपकी 571,200 बैठी थी, ठीक है। नेक्स्ट बात करता हूँ अकाउंट अफसर में भी 35,400 रुपये सैलरी से स्टार्टिंग होगी, पे लेवल 6 रहेगा, नया पद जोड़ा गया है, एक वैकेंसी का, 424,800 यहाँ पर आपके बनेंगे। इसके बाद आप देख लीजिए असिस्टेंट अकाउंट अफसर की, तो 35,000 से स्टार्टिंग होगी, इसमें भी आपकी एक ही पद है, इसमें आपका 424,800 रहेंगे, ठीक है। लाभ अफसर की बात कर लेता हूँ, इसमें भी आपका एक पद जोड़ा गया है, 35,400 से स्टार्टिंग होगी। इसके बाद प्रोग्रामर में पे लेवल 8 रहेगा, 47,600 से स्टार्टिंग होगी, एक पद नया है इसमें, और इसके बाद 35,400 से स्टार्टिंग होगी, यहाँ पर एक पद है 42,000, ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं 424,800, 42,000 नहीं है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आप लोगों ने देखा होगा 35,400 से यहाँ पर भी स्टार्टिंग हो रही है, 35,400 से इन तीनों में भी स्टार्टिंग यहाँ पर हो रही है, बट इसमें सैलरी टोटली इनकम कितनी बनी है देख सकते हैं, 849,600 बन रही है, ऐसे यहाँ पे 16,99,200 बन रही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर सिर्फ एक वैकेंसी है, तो सिर्फ एक कैंडिडेट की यहाँ पर काउंट की गई है, यहाँ पे 2 कैंडिडेटों की काउंट की गई, यहाँ पे 4 कैंडिडेटों की यहाँ पे काउंट की गई है, और जो वैकेंसी यहाँ पे रहेगी देख सकते हैं संविदा नियोजन के तहत पे रहेगी। इसके बाद डायटिशियन की है, इसमें देख सकते हैं टोटल 4 नए पद निकलेंगे, 35,400 से आपकी स्टार्टिंग रहेगी। नेक्स्ट है स्टेटिस्टिशियन की वैकेंसी है, 35,400 से स्टार्टिंग होगी, पे लेवल 6 रहेगा, 6 नए पद जोड़े गए हैं यहाँ पर। इसके बाद कार्डियो टेक्नीशियन में आपके 22 नए पद जोड़े गए हैं, 8 पहले थे, और पे लेवल 5 रहेगा, 29,200 से स्टार्टिंग आपकी होगी इसमें। इसके बाद फार्मासिस्ट की भी आपकी वैकेंसी 29,200 से स्टार्टिंग होगी, पे लेवल 5 होगा, 43 नए पद इसमें जोड़े गए हैं, 37 में प्रीवियस वैकेंसी थी। इसके बाद एक्सरे टेक्नीशियन की 29,200 से स्टार्टिंग होगी, 5 आपका पे लेवल रहेगा, इसमें 43 नए पद जोड़े गए हैं, मतलब कि 43 नई वैकेंट पोस्ट हैं आपकी, 17 इसमें पूर्व में सर्जित पदों की संख्या थी। इसके बाद ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट की बात करूं, 35,400 से स्टार्टिंग होगी, पे लेवल 6 रहेगा, 2 वैकेंसी पूर्व में थी, 4 वैकेंट अभी हैं। इसके बाद ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट की बात करूं तो 29,200 से स्टार्टिंग होगी, इसमें पे लेवल 5 रहेगा, 27 वैकेंसी पूर्व में थी, 81 नए पद सर्जित किए गए हैं इसमें,
टोटली इनकम देख लीजिए ईयरली। इसके बाद फिजियोथेरेपिस्ट में देख लीजिए 35,400 से स्टार्टिंग होगी। पे लेवल 6 दो वैकेंसी पूर्व में थी, 8 नए पद जोड़े गए हैं, टोटली इनकम यहाँ दी हुई है। एंडोस्कोपी टेक्नीशियन की भी 29,200 से स्टार्टिंग होगी। पे लेवल 5 एक वैकेंसी पूर्व में थी, 5 नए पद इसमें सर्जित किए गए हैं, टोटली इनकम यहाँ पे दी गई है। अब डायलिसिस टेक्नीशियन की भी आपको यहाँ पर नए पद सर्जित देखने को मिलेंगे, 12 पद हैं, 35,400 से स्टार्टिंग पे लेवल 6 मिलेगा। इसके बाद रेडिएशन टेक्नीशियन में भी 5 नए पद हैं, 29,200 से स्टार्टिंग होगी, 18 नए पद हैं और 5 आपका 5 पे लेवल रहेगा, ठीक है। सीनियर रेडियोग्राफर की बात करूँ तो 35,400 से स्टार्टिंग होगी, पे लेवल 6 होता ही है और यहाँ पर आपको 4 वैकेंसी देखने को मिलेंगी नए और 2 इसमें प्रीवियस थी। ऑर्थ एंड प्रोसेस की बात करूँ तो 35,400 इसमें सैलरी रहेगी, 2 न्यू पद सर्जित हुए हैं इसमें, एक पहले था, पे लेवल 6 से ही है। स्पीच पैथोलॉजिस्ट का माइडियोलॉजिस्ट की बात करूँ 35,400 इसमें सैलरी रहेगी, 2 नए पद हैं इसमें भी और यहाँ पर टोटली इनकम दे रखी है आपकी, 2 ही इसमें प्रीवियस थे। ऑफिस सुपरिटेंडेंट में आपको 35,400 सैलरी मिलेगी, पे लेवल 6, 2 नए पद जोड़े गए हैं, एक पहले था, टोटली इनकम यहाँ दी हुई है। इसके बाद सबसे हाईएस्ट जो आपकी इसमें वैकेंसी रहेगी, वैकेंट जो पोस्ट हैं इस वक्त, स्टाफ नर्स ग्रेड ए की हैं, 3,000 पद हैं टोटल, ठीक है। और इसमें 1,258 पद पहले के थे, पे लेवल 7 मिलता है इसमें, 44,900 टोटली यहाँ पे इनकम दे रखी है, ईयरली कितनी बैठेगी। सिटी स्कैन टेक्नीशियन की बात करूँ तो यहाँ पे 29,200 से स्टार्टिंग होगी, पे लेवल 5 है, 16 नए पद हैं इसमें, प्रीवियस कोई भी पद नहीं था, यानी कि सिटी स्कैन की भी बिहार में वैकेंसी निकलेगी अब। इसके बाद MRI टेक्नीशियन के 32 नए पद जोड़े गए हैं, बिहार में आपके 32 वैकेंसी नई वैकेंट है, तो जल्दी ही ये भी निकलेगी, 29,200 में सैलरी रहेगी। DSA टेक्नीशियन में 29,200 सैलरी रहेगी, 5 नए पद हैं, सॉरी पे लेवल 5 है, 10 नए पद हैं इसमें, टोटली इनकम याद रखी है। और DR सिस्टम टेक्नीशियन 1,000 MA विथ फ्लोरोस्कोपी की बात करूँ, 29,200 से स्टार्टिंग होगी, पे लेवल 5, 64 नए पद सर्जित इसमें भी हुए हैं। अल्ट्रासाउंड टेक्नीशियन में आप देख सकते हैं 29,200 से स्टार्टिंग होगी, 108 नई वैकेंसी वैकेंट पोस्ट हैं अभी इसकी निकलेंगी। वेतन बांध के संबंध में याद दिया हुआ है, प्रशासी पदवर्ग समिति के परामर्श के आलोक में विकास आयुक्त की अध्यक्षता में गठित समिति के समक्ष प्रस्तुत कर अनुमोदन प्राप्त कर लिया जाएगा। इसमें सैलरी के अकॉर्डिंग बताया गया था, टोटल इसमें देख सकते हैं 52 डिफरेंट पोजीशंस थी। अब देखिए डिजिटल मेमोग्राफी टेक्नीशियन की बात करूँ, 29,200 से स्टार्टिंग होगी, पे लेवल 5 रहेगा और टोटली नए पद इसमें 6 हैं, पहले कोई भी पद नहीं था, पहले इसकी वैकेंसी नहीं निकलती थी और टोटली यहाँ पे सैलरी उतार की। इसके बाद एंडोस्कोपी अल्ट्रासाउंड टेक्नीशियन में आपकी 29,200 से स्टार्टिंग होगी, पे लेवल 5 है, 2 नए पद इसमें भी सर्जित किए गए हैं। इसके बाद यह है सभी पद महिलाओं के लिए आरक्षित हैं, डिजिटल मेमोग्राफी टेक्नीशियन के लिए, ठीक है, ये एक्सरे से संबंधित होता है ये, तो ये सिर्फ महिलाओं के लिए, फीमेल्स सभी सिर्फ इसमें भर सकती हैं। फिर OPD टेक्नीशियन में 29,200 की सैलरी रहेगी, पे लेवल 5, 12 नए पद इसमें जोड़े गए हैं, टोटली यहाँ पे इनकम दे रखी है। डेक्सा टेक्नीशियन में भी 29,200 आपकी सैलरी रहेगी और 5 आपका पे लेवल रहेगा इसमें, टोटल नए 6 पद आपका जोड़े गए हैं। देखिए पहले 0 इसमें वैकेंसी निकलती थी, अब निकलेंगी। फिर लोअर डिवीजन क्लर्क की भी ये 19,900 से स्टार्टिंग होगी, पे लेवल 2 रहेगा, 128 नए पद हैं, पहले भी इसकी वैकेंसी निकलती थी, 72 पत्ते। डाटा एंट्री ऑपरेटर में 200 इसमें नए पद सर्जित किए गए हैं, पहले 0 थे और यहाँ पे लेवल 4 मिलता है, 25,500 से स्टार्टिंग होती है। यहाँ पे ड्रेसर की भी 19,900 से स्टार्टिंग होगी, 56 नए पद जोड़े गए हैं, 28 इसमें पूर्व पद सर्जित हैं, लेवल 2 में रहेगा इसमें। संविदा नियोजन पर ये दिखा रखा है यहाँ पे, ठीक है, लिखा हुआ है। तो यहाँ पर टोटल आप देख सकते हैं आपके पहले के पद कितने हैं यहाँ पे दिए हुए हैं, क्या पे लेवल रहेगा यहाँ पे दिया हुआ है, आपकी क्या सैलरी रहेगी। अगर इसमें 5-12 कैंडिडेट हैं तो 29,200 से 12 कैंडिडेटों की ईयरली, ठीक है, मान के चलिए अगर 29,200 के हिसाब से अगर मान के चलिए अगर एक कैंडिडेट की जितनी भी पूरी साल की इनकम बन रही है, मतलब कि पूरे साल में 29,200 के हिसाब से 12 महीने में जितनी भी उन्हें सैलरी मिलेगी उसी के अकॉर्डिंग आपके जो 12 सीटें हैं तो 12 सीटों के कैंडिडेटों के यहाँ पर जोड़ के इतनी सैलरी यहाँ पर मिलेगी, यहाँ पर ये बताया गया है। टोटली यहाँ पे आपको बताया गया है पूर्व में पद सर्जित, यहाँ पर नए पद कितने हैं 4,315 हैं और यहाँ पर आपको बताया गया है कि टोटली जितनी भी यहाँ पर आपको 52 पोस्ट बताई गई थी उसमें टोटली हर पोस्ट की मिला के कितनी सैलरी बैठेगी, तो ₹217,25,36,400 प्लस अनदेय भत्ता भी इसमें रहेगा, तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं यहाँ पे क्या दिया हुआ था, तो देख लीजिए स्वीकृत हुए यहाँ पे दिया हुआ है कि पटना चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल पटना राज्य का सबसे पुराना राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल है, जिसकी स्थापना 1925 में वर्तमान में इस अस्पताल में क्षमता 1750 है की है, यानी कि बेड्स 1750 बेड्स की है। पटना चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल पटना में क्षमता में कई गुणा अधिक रोगी चिकित्सा हेतु आते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है जनसंख्या में अनुपात में राज्य में चिकित्सकों की भी कमी है। यहाँ बताया गया कि
चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल पटना को चरणबद्ध 3 चरणों में 5,462 संशय वाले चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल के रूप में पुनर्विकसित कर देश के सबसे बड़े चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल के रूप में विकसित करने की महत्वाकांक्षी योजना को क्रियान्वित किया जा रहा है। इस योजना का प्रथम चरण पूर्ण हो चुका है। अतः पटना चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल पटना को 5,462 वाले चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल के रूप में पुनर्विकसित करने के लिए फलस्वरूप राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग नई दिल्ली के मानकों के अनुरूप संस्थान में 29 अनुपयोगी पद हैं और इसमें प्रतिपित करते हुए विभिन्न स्तर के कुल 4,315 नए पदों के सृजन की स्वीकृति प्रदान की जाती है। इसमें यहाँ पे 4,300 नए पद आपको स्वीकृत किए जाते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है कि उक्त सृजित के बारे में वेतनी बता रखा है वार्षिक कितना है, रुपये 217,25,36,400 पोस्टों को मिला के, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे दिया गया। और यहाँ पे अनुपयोगी पदों का भी बता रखा है, रुपये 1,34,80,800 सब पोस्टों का यहाँ पर मिला के है। तो आपको ये PDF हम जल्द से जल्द प्रोवाइड करवा देंगे। इसमें जब भी वैकेंसी आएगी आपको जल्द से जल्द इसकी अपडेट देने की कोशिश करेंगे। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार जुड़े हैं उसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको WhatsApp की लिंक मिलेगी, प्लस आपको Telegram की लिंक मिलेगी, उसे जाके आप ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा। वहाँ पर आपको PDF अपलोड मिलेंगी। और बाकी ऐसी गवर्नमेंट जॉब्स की अपडेट के लिए हमारे चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।